खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी बजाओ इलेक्शन स्पेशल, देश के वोटर को आवाज देने वाला शो, वोट से पहले वचन याद दिलाने वाला शो। जिसका सिर्फ एक पहचान पत्र होना चाहिए, लेकिन दो वोटर आईडी, एक महाराष्ट्र का मतदाता पहचान पत्र, एक तेलंगाना का मतदाता पहचान पत्र। विकास के लिए फर्जी वोटर बनते भारतीयों पर आज खुलासा देखिए। दो वोटिंग कार्ड है, दो राशन कार्ड है, दो प्रो दो दो है सर। एक महिला, लेकिन एक महिला के दो वोटर आइडेंटिटी कार्ड, एक महाराष्ट्र का, एक तेलंगाना का, और एक वोटर दो राज्यों में वोट डालने जाता है। विकास के लिए 57 साल से कानून तोड़ने को मजबूर भारतीयों पर खुलासा देखिए। कितने सालों से दो बार वोट आप लोग दे रहे हैं, दो अलग अलग राज्यों में वोट दे रहे हैं? 1962 में से चालू है। वो अब भी चूल्हे पर खाना बनाते हैं, वो अब भी पानी भरने कई किलोमीटर दूर जाते हैं, क्योंकि वो अब भी दो दो वोटर आईडी कार्ड लेकर विकास का इंतजार करते रह जाते हैं। सुबह एक राज्य में, शाम को दूसरे राज्य में वोट डाल रहे भारतीयों पर खुलासा आज देखिए। एक उंगली पर रंग लगाएगा, स्याही लगाएगा, दूसरी जगह पे ये दिखाएंगे, क्या करेंगे? किस किस उंगली पर रंग लगवाती है बताइए तो? सब पब्लिक का। आपका कौन कौन सा उंगली पर रंग लगाइए? ये रंग। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जो आज बताएगी वोटर को इस्तेमाल करके छोड़ देने वाली राजनीति ने कैसे भारत के 14 गांव के हजारों लोगों को फर्जी वोटर बना रखा है। तेलंगाना भी वोट करते हैं और महाराष्ट्र को भी वोट करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि सीमा विवाद की वजह से आम आदमी को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने चप्पल घिसनी पड़ी। लेकिन आज हम बताएंगे कैसे सीमा विवाद की वजह से विकास के इंतजार में भारतीयों को फर्जी वोटर बनाकर छोड़ दिया गया है। एक चौंकाने वाला सच आज आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान, और आज संवाददाता अजय दुबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद क्या है? मकसद है यह बताना कि कैसे अपने फायदे के लिए राजनीति वोटर का इस्तेमाल कर देती है और दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देती है। रिपोर्ट देखकर आप सहमत हो तो अपनी राय भेजिएगा, घंटी बजाइएगा, क्योंकि देश का इकलौता शो है घंटी बजाओ, जो आपको घर बैठे मिस कॉल देकर मतदान करने का मौका देता है राष्ट्र निर्माण में। नाम जीवंत राव, लेकिन दो राज्यों का मतदाता पहचान पत्र इनके हाथ में है। नाम बलराम मानसिंह जाधव, ग्राम प्रधान है, लेकिन दो राज्यों का पहचान पत्र है, दो राज्यों में जाकर वोट डालते हैं। नाम रुक्मा बाई, हाथ में दो राज्यों की वोटर आईडी है, अलग अलग उंगली पर स्याही लगवाकर अलग अलग राज्य में वोट डालती आई हैं। नाम बैजनाथ सुलगे, इनके भी हाथ में दो दो राज्यों के मतदाता पहचान पत्र हैं। दो राज्यों की अलग अलग वोटर आईडी लेना देश में अपराध है, लेकिन ये कहानी उन भारतीयों की है जिनके साथ सिस्टम ने दशकों से अपराध किया है, क्योंकि इन्हें विकास का लालच दिखा फर्जी वोटर बना छोड़ दिया गया है। जनता के मुद्दे जनता के लिए जनता के बीच से उठाने वाले आपके शो घंटी बजाओ में एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे महाराष्ट्र तेलंगाना की सीमा पर मौजूद
गांवों की तरफ पहुंचे हैं। ये परमडोली गांव है। इस गांव में लगा पीला झंडा बताता है कि यहां तेलंगाना की राजनीति कायम है और इसी गांव में दिखता भगवा झंडा महाराष्ट्र की सियासत का परिचय देता है। तो सवाल उठता है, क्या एक गांव दो राज्यों का हो सकता है? महाराष्ट्र तेलंगाना के बॉर्डर पर बसे परमडोली गांव में मिले जीवंत राव हाथ में दो राज्यों के मतदाता पहचान पत्र हैं, एक महाराष्ट्र का, दूसरा तेलंगाना। तो क्या ये वोट भी दोनों राज्यों में डालते हैं? दो राज्यों के कागज हैं इनके पास, तेलंगाना सरकार के दिए हुए और महाराष्ट्र सरकार के भी दिए हुए। देखिए, इसका एक वजूद मेरे हाथ में है, कागज के दो टुकड़े हैं जो पहचान पत्र चुनाव आयोग जारी करता है वो है। एक महाराष्ट्र की तरफ से जारी किया गया है, एक तेलंगाना सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तेलंगाना सरकार इसे टांडा आदिलाबाद लोकसभा के अंतर्गत लेती है, तो महाराष्ट्र सरकार इसे लेती है चंद्रपुर के अंतर्गत। इस बार एक ही तारीख पर दोनों लोकसभाओं में चुनाव पड़ा है और आम लोग जो यहाँ के हैं इस बात को लेकर उत्साहित हैं। बता रहे हैं कि सालों से, तकरीबन 30-40 सालों से ऐसा ही होता रहा है, दो लोकसभा चुनाव के लिए वोट देते हैं, दो विधानसभा चुनाव के लिए वोट देते हैं, ग्राम पंचायत का जब भी चुनाव होता है तो दो वोट देते हैं। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, दोनों तरफ डाल दी, दो वोटिंग कार्ड है, दो राशन कार्ड है, दो पूरा दो दो है सर। क्या ये सिर्फ एक वोटर के साथ है या फिर पूरे गांव की यही कहानी है? संवाददाता अजय दुबे आगे बढ़े, क्योंकि महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर पर 14 गांव के निवासी दो राज्यों का मतदाता पहचान पत्र लेकर दोनों राज्य में हर चुनाव में जाकर वोट देते आए हैं। नियम ये कहता है कि कोई भी मतदाता दो वोटर आईडी कार्डों से दो जगह मतदान नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे एक साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है। लेकिन मेरी पड़ताल में हैरान करने वाली बात सामने आई, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर बसे हजारों लोग पिछले कई सालों से दो राज्यों में वोट देते आ रहे हैं। महाराष्ट्र तेलंगाना की सीमा पर बसे परमडोली गांव में प्रधान भी दो दो हैं, एक प्रधान महाराष्ट्र का और दूसरा तेलंगाना का। उन्हीं में से एक हैं बलराम मान सिंह जाधव। गजब बात यह है कि 10 साल ये तेलंगाना की तरफ से जिस गांव में प्रधान रहे उसी गांव में अब महाराष्ट्र की तरफ से प्रधान हैं। ग्राम प्रधान है महाराष्ट्र से। ग्राम प्रधान है महाराष्ट्र का, अपनी आंध्रा का भी है, तेलंगाना का भी ये है। अब ये बताइए कि कितने साल, बहुत मतलब पुराने व्यक्ति हैं आप, काफी सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, कितने सालों से दो बार वोट आप लोग दे रहे हैं, दो अलग अलग राज्यों में वोट दे रहे हैं आप लोग? तो ये 1962 में से चालू है। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली कि महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर पर 14 गांवों में दो दो वोटर आईडी लोगों के पास है। 5,000 की आबादी वाले गांवों में लोग दो दो वोटर आईडी से दो दो राज्यों में वोट डालते आए हैं। हैरानी की बात यह कि जहां के मतदाता प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में दो दो वोट अलग अलग वोटर आईडी से दो अलग अलग राज्यों में डालते आए हैं, उन्हें वोट के बदले विकास के नाम पर क्या मिला? आपने कई बार देखा, सुना और महसूस किया होगा कि लोग सुविधाओं के लालच में दो जगह से फॉर्म भरते हैं, नेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर बसे इन गांव के लोगों का दो जगह से वोट डालकर नियमों कायदों को तोड़ने की मजबूरी का नाम विकास का इंतजार है। संवाददाता अजय दुबे को महाराष्ट्र तेलंगाना दोनों के वोटर आईडी रखने वाले ग्रामीणों के गांव में सिर पर मटकी लिए दो दो किलोमीटर दूर से पानी लाने वाली महिलाएं दिखी। यानी 57 साल से दो राज्यों के बीच बॉर्डर पर रहने वाली जनता को क्या फर्जी वोटर बनवाकर राजनेता वोट लेते रहे और अपना गला वोट से तर करते रहे, वोटर को इस्तेमाल करके छोड़ दिया? अब ये गांव एक ही है पर जो दोनों राज्य हैं इन्हें अलग अलग बोलते हैं, एक परमडोली और चंद्रपुर के अंतर्गत बताता है और दूसरा कहता है परमडोली टांडा। तो ये स्थिति है यहाँ की, अब हम रुकमत बाई जी से बात करेंगे। सब सोध्यान करते मगर पानी का नहीं, अभी आया तुम लेके जाते, पानी का सोध्यान नहीं करते, रोड का सोध्यान नहीं करते। अभी तो कैसे जाते आते, फिर वो पानी बरसात हुई ना, इधर ही मर जाते हम। एक एक आदमी चले गए तो अभी सरकार को पता नहीं, वोट मांगने को सब आ जाते, वो सोध्यान लेके गए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा है यहाँ, बहुत साल से जंगल में जीना जी रहे हम, क्या है मेरे को ना महाराष्ट्र ना आंध्रा, बॉर्डर पे हो गए। अब आपको बताते हैं कैसे ठगती है राजनीति वोटर को, पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। 1955-56 के पहले राज्य पुनर्गठन नीति के तहत महाराष्ट्र के दायरे में ये 14 गांव बसे हैं, लेकिन पहले आंध्र और अब तेलंगाना सरकार ने
इन गांवों को अपने नक्शे में शामिल किया है। 1965-70 से इन 14 गांवों को महाराष्ट्र में मतदान करने का अधिकार मिला। इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार इन 14 गांवों में अपनी योजनाएं लाई। 17 जुलाई 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए विवादित 14 गांव महाराष्ट्र सरकार के होने की बात स्पष्ट की थी, लेकिन गांव वालों का दावा है कि इलाके की विकास की योजनाओं पर अमल करने में महाराष्ट्र सरकार विफल रही। अब सवाल ये, क्या विकास न मिलने के कारण ही राजनीति में फर्जी वोटर बनकर रह गए ये हजारों लोग? इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए रिपोर्ट का अगला हिस्सा आप जरूर देखिए। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पढ़ा होगा कि नेताओं को जहां शंका पैदा होती है कि कुछ वोटर फर्जी नाम से हैं तो दूसरे दल पर आरोप लगाते हुए फौरन शिकायत करते हैं, फर्जी वोटर का नाम कटवाते हैं। लेकिन 5 दशक से दावा है महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर के 14 गांव के हजारों वोटर को सिर्फ इसलिए फर्जी वोटर बने रहने देना चाहते हैं राजनेता, ताकि विकास का लॉलीपॉप दिखाकर जब चाहें जैसे चाहें अपने लिए वोट लेते रहें। यह है उस सड़क का हाल जिसे बनवाने का लालच देकर 57 साल से महाराष्ट्र और तेलंगाना के 14 गांवों के हजारों वोटर को फर्जी मतदाता बनाए रख अपना फायदा राजनेता देखते हैं। यह है वो पुल जिसे पिछले 5 साल से बनवाने का लालच विकास के नाम पर देते हुए प्रधान से लेकर विधायक और अब सांसद चुनने के लिए दो राज्यों में वोट जनता से डलवाया जा रहा है। यह है वो चूल्हा जहाँ भी ग्रामीण धुएं के बीच खाना बनाने को मजबूर हैं और मजबूर हैं दो वोटर आईडी लेकर फर्जी वोटर बन वोट डालने के, इस उम्मीद की लौ पर कि एक दिन विकास आएगा। लेकिन महाराष्ट्र और तेलंगाना की बॉर्डर के इन गांवों में वोट लेने के बाद दोनों राज्य के नेता क्या कहते हैं सुनिए। यार डेवलपमेंट कुछ नहीं है, महाराष्ट्र वाला बोल रहा है तेलंगाना वाला देता बोल के वैसा जाए, तेलंगाना वाला बोल रहा महाराष्ट्र वाला देते बोल के बोल रहे। अदालत के आदेश के मुताबिक सीमा के 14 गांव महाराष्ट्र के हिस्से में आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से कम सुविधाएं मिलने के कारण गांव वालों का झुकाव तेलंगाना की तरफ है। तेलंगाना इसी का फायदा उठाकर अपने नक्शे में इन विवादित 14 गांवों को दिखाता है। इस तरह महाराष्ट्र तेलंगाना की वोट वाली राजनीति में 14 गांव के वोटर दोनों राज्यों में वोट डालते हैं। ऐसा कर देते दोनों दीजिएगा ऐसा, यहाँ की देखा इधर एक उंगली पर रंग लगाएगा स्याही लगाएगा तो दूसरी जगह पे क्या दिखाएंगे? ये दिखाएंगे क्या करेंगे? किस उंगली पर रंग लगवाती है बताइए तो? सब पब्लिक का नहीं, आपका कौन कौन सा उंगली पर रंग लगाइएगा? ये रंग तो सरकार को समझ जाना। तो अब सवाल है कि जब मतदाता पहचान पत्र देने और 2 वोटर आईडी है तो एक को निरस्त करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को इस बात की क्या जानकारी नहीं? अजय दुबे ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रजत कुमार को पूरी कहानी बताते हुए सवाल पूछा। इस इशू के बारे में आप ही के क्वेश्चन से मुझे मालूम हुआ था, ये आदिलाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, 4 पोलिंग स्टेशन इन्वॉल्व हैं, 14 गांव के बारे में मुझे नहीं मालूम है। उनके बताए के तौर पे 4 पोलिंग स्टेशन इन्वॉल्व हैं, 2500-3000 के बीच में वोटर्स वहाँ पे हैं जिसके बारे में इस तरह का आ रहा है। मैंने उनसे कहा है कि वो इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट भेजेंगे जिस पे हम क्लैरिफिकेशन मांगेंगे ACI का। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का ये बयान संवाददाता अजय दुबे के खुलासे पर मुहर लगाता है कि 14 गांवों के हजारों वोटर 2 वोटर आईडी के साथ दोनों राज्यों में वोट डाल रहे हैं, जिसकी वजह है वोट के लिए जनता को इस्तेमाल करके भूल जाने वाली राजनीति। आज ABP न्यूज की राय है, 2 मतदाता पहचान पत्र के साथ 2 अलग अलग राज्यों में वोट देना कानूनी अपराध है। राजनेता अपने फायदे के लिए जनता से यह अपराध करा रहे हैं। चुनाव आयोग को तुरंत इस बात का संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर के विवादित 14 गांव के हजारों वोटर एक ही जगह मतदान करें, ये सुनिश्चित कराया जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए।